नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन्स एंड स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्लाजो कटिंग सिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं इस प्लाजो कटिंग में आपको इस तरह की कटिंग बताऊंगी कि आपका प्लाजो का जो आसन है वो ऊपर की साइड खिंचेगा नहीं और ना ही उठने बैठने में दिक्कत होगी। ये बिल्कुल अलग वीडियो होगी प्लाजो की। बहुत सुंदर तरीके से मैं आपको कटिंग बताऊँगी और जो मेरा सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं इसकी फुल स्टिचिंग बताऊंगी। ये हमारा फुल इलास्टिक प्लाजो होगा और इसकी कटिंग थोड़ी जैसे आप वीडियोस में देखते होंगे उससे थोड़ा सा इसमें अलग है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा 2 मीटर रियोन का फैब्रिक है। आप प्लाजो बनाने के लिए रियोन या क्रेप टाइप में फैब्रिक लें जिसमें थोड़ा सा बाउंस हो, क्योंकि कॉटन का कपड़ा हम पैंट जो बनाते हैं नैरो साइज की, वो उसके लिए कॉटन का कपड़ा अच्छा होता है। बट जो प्लाजो होते हैं फुल घेर वाले या अम्ब्रेला प्लाजो वगैरह, उनमें क्या है कि थोड़ा सा बाउंस वाला कपड़ा होता है, वही हमारा अच्छा होता है। सबसे पहले ये देखिए, मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो बंद साइड है ये देखिए, 2 बंद साइड मेरी साइड है और ये देखिए मैं किनारे वाली साइड, ये देखिए 4 किनारे वाली साइड मैंने मेरे अपोजिट साइड में रखी है। इस तरीके से आप कपड़े को बिछा लें, 2 मीटर 2.25 मीटर में आपका प्लाजो बन जाएगा। ये 2.25 मीटर कपड़ा है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसके निकाल देंगे अगर ये ज़्यादा रहा तो। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को क्या है कि प्रेस कर लिया है, प्रेस करके इसको 4 फोल्ड कर लिया है। जैसे ये हमारा कपड़ा है पूरा फुल लेंथ में, इसमें मैं आपको कागज़ से फोल्ड करके बता देती हूँ क्योंकि इसको मैंने प्रेस करके एकदम अच्छे से जचा लिया है। ये देखिए, ये दोनों हमारी किनारे की साइड है और इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, ये देखिए। और फोल्ड करने के बाद अभी हमारा डबल फोल्ड हो गया और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों बंद साइड है और ये भी हमारी बंद साइड होगी, ये ओपन साइड होंगी दोनों। तो इस तरीके से आप कपड़े को 4 फोल्ड कर लें। अब सबसे पहले ये देखिए, हमारा यहाँ से मैंने ये कपड़ा धो के लिया है और उसमें प्रेस लगाई है। प्रेस लगाने के बाद ये हमारा कपड़ा इतना छोटा बड़ा हो गया। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसको हम, जो हमारा छोटा बड़ा कपड़ा है इसको हम काट के बाद में अलग कर देंगे। अब क्या करना है, यहाँ से मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी, ये देखिए। आप 2-3 जगह इस तरीके से निशान लगा लें ताकि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारा ऊपर कमर की साइड है और ये हमारा नीचे बॉटम की साइड रहेगा। यहाँ से ये फोल्डेड साइड है, हमारा जो भी कपड़ा बसता है उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे, वो एक साथ क्या है कि फोल्डेड साइड में पूरा पीस का पीस हमारा बच जाएगा अगर एक्स्ट्रा होगा तो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए, यहाँ से जितनी हमने जो लंबाई लेनी है हमारे प्लाजो की, टोटल लंबाई तैयार जितनी बनानी है उस पर मैंने निशान लगा देती हूँ। तो 36 मुझे यहाँ पर तैयार बनाना है, ये देखिए 36 पर मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी और 36 के नीचे हमें प्लाजो को फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो 1.5 इंच का निशान मैं यहाँ पर लगा दूंगी। पहले हम टोटल लंबाई वाले निशान पर सीधी लाइन खींच लेते हैं, ये देखिए, और उसके बाद में ये 1.5 इंच
जो हमने फोल्ड के लिए लिया है। अब हमें इसमें जो मैंने मोहरे मुझे रखनी है वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 14 इंच तैयार। तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर मैं ले लूँगी 15 इंच। 15 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन के लिए हम निशान लगाने के लिए अब जो हमारा हिप राउंड है वो है 45। तो 45 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आएगा 11.25। तो 11.25 में हमें 2 ऐड करना है तो ये हमारा हो गया 13.75 इंच। ये देखिए ये थोड़ा हैवी साइज प्लाजो है। ये देखिए मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी और इस पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। और इस लाइन पर क्या करना है हमें, ये देखिए ये हमने 13.5 के बाद में मैं यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद 2.25 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमें इसमें निशान लगाने, दो हमें इसमें निशान लगाने अलग अलग। और ये देखिए यहाँ से भी हमें 13.25 इंच पर निशान लगाना है और फिर यहाँ पर 2.5 इंच पर वो निशान हमें यहाँ आगे नहीं लगाना है, उस पर हम गुलाई देने वाले हैं। तो ये देखिए ये मैं यहाँ ऊपर इसको मिला दूंगी और जो यहाँ पर है यहाँ पर हम एक क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके और यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। हमें ज़्यादा डीप में यहाँ पर राउंड शेप नहीं देना है। ये देखिए ऐसे हमें राउंड में इसको लगा देना है। अब क्या करना है, जो ये है हमारा मार्क उसमें हमें इसको मिला देना है। हमारा मैंने मार्जिन भी इसमें पहले ही ऐड कर लिया था। ये देखिए ये हमारी एक प्लाजो की मार्किंग पूरी हो गई है। अब देखते हैं हमें आगे क्या करना है। जो मेन चीज़ है इसमें देखने वाली वो मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। इसमें क्या है कि दोनों पार्ट, ये एक साइड सिलाई वाला प्लाजो है और हम इसमें जो पीछे वाला पार्ट रखेंगे बेल्ट पर उसका जो आसन है वो ज़्यादा रखेंगे और जो फ्रंट का है उसमें हम इसमें थोड़ा कम रखने वाले। इसीलिए मैंने ये ऊपर 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था। तो अब आप देखिए यहाँ से हमें ये 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था इसको इस तरीके से मिलाना है। मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये 2 इंच का हमने शुरू में जो पट्टी ली थी उसको यहाँ से, तो आप नीचे वाली पट्टी से निशान उठा के और यहाँ पर हमें मिलाना है। ये देखिए ये चेंजेज हमें इस प्लाजो में करना है। अब क्या करना है आपको, इसी पर हम इस पर जो मार्किंग हमने की है उस पर हम इसको कटिंग कर लेंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जो ये मैंने यहाँ पर मोहरी 15 रखी है, 14 हमारी तैयार है, इस पर आप चाहे तो यहाँ से सीधा भी यहाँ पर रख सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको रखनी है 20-22 तक इसमें रखी जाती है फुल घेर वाले प्लाजो में, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब ये देखिए इसी मार्क पे हमें एक बार कटिंग कर लेना है। यहाँ से हमें
कुछ भी नहीं काटना, अभी इस लाइन से हमें कटिंग करनी है। ये देखिए, ये मैंने इस मार्क पर कटिंग कर दी है इस तरीके से। अब ये देखिए, जो मार्किंग हमने की थी उस पर मैंने इस पर कटिंग कर ली है। ये प्लाजो जैसे 36 का नाप है, तो मैंने सिर्फ इसमें हाफ इंच नीचे मार्जिन लिया है, 1 इंच मैंने पलटने में, और 1.5 इंच हमने नीचे रखा था, तो 1/2 इंच हम जॉइंट बेल्ट को जब जॉइंट करेंगे तब इसमें लग जाएगा। मैं इसमें बेल्ट अलग से लगाने वाली हूँ, मैंने पहले आपको नहीं बताया था, अब मैं बता रही हूँ कि इसमें हम बेल्ट अलग से अटैच करने वाले हैं। तो बेल्ट ये देखिए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हम निकाल लेंगे, और यहाँ से जो ये पट्टी की साइड है, यहाँ से हम इसमें बेल्ट लगा लेंगे। बेल्ट मैं आपको स्टिचिंग की वक्त बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इसमें बेल्ट लगाना है। अब हमें जो इसमें मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, ये जो हमने निशान लगाए थे, अब ये हमारे, ये देखिए 4 पार्ट हैं, 1, 2, 3 और ये 4। अब हमको ऐसे उठाना है, ये देखिए ऐसे उठा के, और ऐसे हम इनको रखना है। ये देखिए, ये प्रिंटेड में आप ध्यान रखें, या तो आप उल्टी उल्टी साइड अंदर की साइड रखें, सीधी बाहर की साइड, इस तरीके से आपको प्रिंट का ध्यान रखना है। प्लेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जो प्रिंटेड होता है उसमें आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से इनको यहाँ से, हम जो ये बेल्ट की साइड है हमने यहाँ से ज़्यादा काटी थी, इसको भी हम यहाँ से उठा लेंगे, और इसको भी यहाँ से बराबर पकड़ लेंगे। अब ये देखिए, ये बराबर पकड़ने के बाद बस इस बात का ध्यान रखिए कि ये यहाँ से जो ये हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा ना हो। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा बैक पार्ट हो गया, ये देखिए ये बैक साइड होगी और ये हमारी फ्रंट साइड है। तो फ्रंट का जो आसन है वो ऑलरेडी यहाँ पर कम हो जाएगा। ये देखिए, ये आसन है, तो ये फ्रंट का कम है और बैक का ज़्यादा है। तो जब बैक का आसन हमारा ज़्यादा रहेगा, फ्रंट का कम रहेगा, तो ये क्या है कि प्लाजो हमारा खींचेगा नहीं, और इसकी फिटिंग बिल्कुल अच्छे से आएगी, उठने बैठने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हमने लूजिंग भी अच्छे से रखी है, तो हम इसको ये सीधी लाइन पर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कटिंग निकल गई, और ये देखिए, ये जो हमारा एक्स्ट्रा था, ये हमने ये काटा था, ये ऊपर हमारा बैक साइड में ये चला जाएगा और ये फ्रंट में रहेगा। तो इस तरीके से ये प्लाजो की कटिंग कंप्लीट होती है। इस तरीके से प्लाजो की कटिंग करके आप ज़रूर ट्राई करें, आपका बहुत अच्छे से प्लाजो बनेगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।